हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टुडे आई डिस्कस द टॉपिक कैपेसिटर्स एंड सिंबल ऑफ कैपेसिटर एंड आल्सो एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संधारित्र, इसे कहा जाता है संधारित्र का प्रतीक चिन्ह और इसकी क्रिया सिद्धांत के बारे में बात करेंगे हम। आज ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए टॉपिक रहेगा और इस टॉपिक के बेस पे हम कुछ आर्टिकल करेंगे आने वाले वीडियो में और उसके बेस पे फिर हम इस कैपेसिटर्स की इम्पोर्टेंस को भी डिस्कस करेंगे। और आइए बात करते हैं आज का हमारा टॉपिक कैपेसिटर्स मीन्स इसको हम बोलते हैं संधारित्र। कैपेसिटेंस से पहले हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कैपेसिटेंस, कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस इन द कंडक्टर। तो जैसे ही हम किसी भी कंडक्टर को कोई चार्ज प्रोवाइड कराते हैं और वो चार्ज हम तब तक प्रोवाइड कराते हैं जब तक उसका पोटेंशियल वी वोल्ट तक ना पहुंच जाए, क्लियर। और उस समय हमने कंडीशन दी थी कि जो हमारे पास चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द पोटेंशियल वी और उसके थ्रू हमने एक्सप्रेशन लिया था कि वो इक्वल सी वी और उस इक्वेशन से हमने सी फाइंड किया था क्यू अपॉन वी, क्लियर। तो सी क्या था वहां पे कॉन्स्टेंट था, उसको हमने कहा था कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैपेसिटर है और संधारित्र बोलते हैं। ये संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें हम टोटल चार्ज कुल आवेश की जो पर्याप्त मात्रा है उसको हम क्या करते हैं, संचित करते हैं, स्टोर करते हैं। तो इस प्रकार की जो युक्ति है उसको हम कहेंगे कैपेसिटर, क्लियर। तो सच एन डिवाइस इन विच द स्टोर टोटल एनर्जी एंड सच डिवाइस इज कॉल्ड द कैपेसिटर्स। और इस कैपेसिटर्स के लिए हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट भी शो किए हैं, आइए देखते हैं। कैपेसिटर्स मीन्स संधारित्र। तो कैपेसिटर इज ए डिवाइस दैट कैन स्टोर द एनर्जी, मीन्स हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, उस ऊर्जा को या उस आवेश को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं। एनर्जी मीन्स ऊर्जा और आपका जो चार्ज है आवेश है एक फॉर्म है एनर्जी की, क्लियर। तो ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम ऊर्जा को या चार्ज को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। एंड द स्टोर्ड एनर्जी कैन आल्सो टेकन बैक इफ रिक्वायर्ड, मीन्स और जहां पे हमें आवश्यकता है इस स्टोर की गई एनर्जी को खर्च करने की तो वहां पर हम इस स्टोर एनर्जी को यूज में लाते हैं और वर्क करते हैं, क्लियर। एज ए कैपेसिटेंस हमने कंडीशन दी थी और आज हमने बात की है अबाउट द कैपेसिटर्स, क्लियर। तो डेफिनेशन क्लियर है, कैपेसिटर इज ए डिवाइस दैट कैन स्टोर द एनर्जी एंड द स्टोर्ड एनर्जी कैन आल्सो टेकन बैक इफ रिक्वायर्ड, क्लियर। तो ये रहेगा इसका डेफिनेशन। और इसके बाद हमने शो किया है सिंबल, सिंबल ऑफ कैपेसिटर्स मीन्स प्रतीक चिन्ह क्या होता है, प्रतीक चिन्ह। तो प्रतीक चिन्ह की बात करेंगे तो हमने वन और टू दो सिंबल बनाए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, और दिस इज द सिंबल ऑफ कैपेसिटर्स। संधारित्र का जो प्रतीक चिन्ह है वो आप वन के अकॉर्डिंग भी शो कर सकते हैं और टू के अकॉर्डिंग भी शो कर सकते हैं, क्लियर। तो दिस इज द कैपेसिटेंस और कैपेसिटेंस, क्लियर। तो ये रहेगा आपका सिंबल के लिए। अब हम बात करते हैं कैपेसिटर्स का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो किस टाइप से वर्क करेगा, क्रिया सिद्धांत क्या होगा संधारित्र के लिए। तो इसके लिए हमने फिगर नंबर वन स्केच किया है,
आइए फर्स्टली पहले फिगर नंबर वन के बारे में जानते हैं। फिगर नंबर वन में हमने फर्स्टली प्लेट, दो प्लेट ली हैं, टू प्लेट्स आर टेकन, प्लेट ए एंड प्लेट बी। प्लेट ए को हमने पॉजिटिव चार्ज के साथ यूनिफॉर्म चार्ज हमने इस पर डिस्ट्रीब्यूट किया है, और प्लेट बी का जो चार्ज है वो नेगेटिवली चार्ज हमने क्या किया है, इस पर डिस्ट्रीब्यूट किया है। क्लियर। और हमने इन दोनों प्लेट को प्लेस किया है और इन दोनों प्लेट के बीच कोई भी मीडियम हमने नहीं लिया है, और ये विदाउट एनी मीडियम हमने इनको टेकन किया है। और हमने प्लेट बी मींस नेगेटिव चार्ज जो हमारे पास प्लेट बी पे है उसको हमने कनेक्ट किया है किससे, अर्थ से, मींस पृथ्वी से हमने इसको जोड़ा है। और हमने प्लेट ए को जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है इसको हमने जोड़ा है कंप्लीट स्टोर चार्ज, स्टोर द एनर्जी या टोटल चार्ज से हमने इसको कनेक्ट किया है। क्लियर। तो इस प्रकार हमने इन दोनों प्लेट ए एंड प्लेट बी को एक अरेंजमेंट में शो किया है जिसको कि हमने फिगर नंबर वन में बताया। तो फिगर नंबर वन से क्लियर है कि जितना अमाउंट हमारे पास पॉजिटिव चार्ज का है प्लेट ए के पास, सेम क्वांटिटी में प्लेट बी के पास भी उतना ही अपोजिट नेगेटिव चार्ज होगा। तो ड्यू टू दिस रीजन द नेट चार्ज बिटवीन द टू प्लेट्स ए एंड बी विल बी जीरो। क्लियर है। मींस प्लेट ए एंड प्लेट बी के बीच कोई भी अदर कोई माध्यम हमने नहीं लिया, और इसलिए प्लेट ए का जो आवेश की मात्रा है वो समान और विपरीत मात्रा प्लेट बी के पास जो नेगेटिव है उसका इफेक्ट ये होगा कि इन दोनों प्लेट के बीच हमें जो कुल आवेश मिलेगा वो कितना रहेगा, जीरो रहेगा। क्लियर। तो जब इन दोनों प्लेट के बीच जो चार्ज है वो नेट चार्ज जीरो हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हमने इस कैपेसिटर डिवाइस का यूज करना है। और हमने अभी बताया है डेफिनेशन में कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें हमने पर्याप्त मात्रा में आवेश को क्या किया है, स्टोर किया है, संचित किया है। तो जैसे ही ये इन बिटवीन जब नेट चार्ज है जीरो होगा तो उस समय ये जो हमारे पास टोटल चार्ज है स्टोर चार्ज है प्लस क्यों, उस समय ये वर्किंग में आएगा और हमें इसकी यूटिलिटी से इस वर्किंग को कंप्लीट करेगा। क्लियर। तो फिगर नंबर वन में हमने जो भी एक्सप्लेन किया है उसके अकॉर्डिंग हमने जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसके लिए बेसिक कंसेप्ट लिया है, द टोटल चार्ज क्यू इज कॉल्ड एज चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। मींस जैसे ही ये नेट चार्ज जीरो होगा इन बिटवीन द प्लेट टू प्लेट से एंड बी, तो उस समय ये जो हमारे पास स्टोर चार्ज है टोटल चार्ज है इसको हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड द कैपेसिटर्स, और उस समय ये वर्किंग में आपका वर्क करेगा। क्लियर। तो दस या हाउ एवर नेट चार्ज ऑन प्लेट विल बी जीरो बिटवीन ए एंड बी। तो इस प्रकार प्लेट ए एंड बी के बीच जो नेट चार्ज है क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर। एक बार रिवाइज कर लेते हैं डेफिनेशंस को। कैपेसिटर्स मींस संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग हम आवेश की पर्याप्त मात्रा या कुल मात्रा को संचित करने में करते हैं, और ये एक प्रकार का स्टोर ऑफ द एनर्जी भी इस पर बोलते हैं, और इसके साथ साथ आवश्यकता आने पर हम स्टोर एनर्जी का यूज करेंगे। तो इस प्रकार की जो डिवाइस है वो कहलाएगी संधारित्र या कैपेसिटर। राइट। अब सिंबल के लिए हमने सिंबल शो किया है वन और टू के अकॉर्डिंग हम इसको शो कर सकते हैं, और वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर्स में हमने फिगर वन को स्केच किया है, और इसमें कोई टू प्लेट्स जो अपोजिट चार्ज क्वालिटी की हैं उन दोनों की जो रिएक्शन है उसके कारण इनके बीच जो नेट चार्ज है वो जीरो हो जाएगा। तो उस समय ये जो स्टोर चार्ज है जिसको हमने कैपेसिटर्स से डिफाइन किया है उस समय ये वर्किंग में वर्क करेगा।
हमें रिजल्ट देगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमने कंडीशन ली है कि द टोटल चार्ज क्यू इज कॉल्ड द कैपेसिटर, और जो हमारे पास नेट चार्ज है बिटवीन द ए एंड बी वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने लास्ट डिफाइन किया था कैपेसिटेंस, मींस हमें कोई भी चार्ज प्लस क्यों चार्ज गिविन करना होता था, देना होता था, जब तक हमारा पोटेंशियल बी वोल्ट तक ना पहुंच जाए। क्लियर। तो उसी टाइप से हमारे पास यहाँ पे स्टोर्ड एनर्जी है एज ए फॉर्म ऑफ चार्ज। क्लियर। तो इस चार्ज को हम कहेंगे दिस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल वी। तो इस फिगर वन के अकॉर्डिंग या विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लेनेशन हम कंडीशन दे सकते हैं कि अगर ये हमारे पास नेट चार्ज जीरो हो जाता है उसके बाद भी हमारे पास जो टोटल चार्ज है वो वर्क करेगा, और ये जो चार्ज है ये हम तब तक प्रोवाइड कराएंगे जब तक पूरे कैपेसिटेंस का जो वोल्टेज है वो पोटेंशियल है वो वी वोल्ट ना हो जाए। तो उसके अकॉर्डिंग थ्योरी का कंसेप्ट हम दे सकते हैं द टोटल चार्ज क्यों इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल वी। क्लियर है। तो लास्ट कंडीशन हमारी रहेगी कि जो हमारे पास टोटल चार्ज है और इसको हमने स्टोर चार्ज भी या स्टोर एनर्जी भी कहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल वी वोल्ट। तो ये क्या रहेगा, ये जो हमारे पास कुल आवेश की मात्रा है या पर्याप्त आवेश की संचित मात्रा है ये विभव वी के समानुपाती होती है। क्लियर। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी वी कैन से राइट द मैथमेटिकल इक्वेशन क्यों प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल वी, इक्वेशन नंबर वन हमने इसको फॉर्मेट किया। और कोई भी प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट को इक्वल करना है तो एक कॉन्स्टेंट लेते हैं तो क्यों बोला जाएगा सी वी इक्वेशन नंबर टू। वीएस सी इज ए कॉन्स्टेंट इट इज ऑल्सो फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स। क्लियर। और सी आ जाएगा क्यों कौन वी। क्लियर। तो सी क्या है, सी इज द कैपेसिटेंस है विद्युत धारिता है किसी भी संधारित्र की। क्लियर। तो इस प्रकार हम इस पूरे टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे और इस टॉपिक के बेस पे हम कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे पैरेलल प्लेट्स के लिए इन द कैपेसिटर्स। क्लियर। किसी भी संधारित्र में जो हमारे पास समांतर प्लेट है उनके लिए हम विद्युत धारिता का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ बोथ द टॉपिक, फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस और सेकंड कैपेसिटर्स। क्लियर। तो आई होप आपको ये दोनों बेसिक टॉपिक हमारे शॉर्ट के लिए वेरी वेरी स्पेशल इंपॉर्टेंट देंगे और ये प्रिपेयर करने हैं। तो नेक्स्ट में हमारा टॉपिक रहेगा इनका आर्टिकल, दोनों की हेल्प करेंगे। तो ये आपका कंप्लीट टॉपिक इस प्रकार आपको करना है। क्लियर। तो और कोई भी कमेंट्स आपको जब प्रॉब्लम कोई क्रिएट होती है तो डिस्कस कर सकते हैं। और जो अभी पर्सन जो स्टूडेंट्स अभी अननोन है नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपना जो भी यूजफुल टॉपिक्स हैं वो हम आते रहेंगे। और इसी के साथ थैंक्स फॉर